सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। देखिएगा आज का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप सभी को थंबनेल पे देखा होगा कि एनसीसी वालों को ना तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा ना कि इंटरव्यू देना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही सुना है। देखिएगा गर्ल्स के लिए जो है वो आर्मी जीडी की आर्मी भर्ती आ चुकी है, आप देख सकते हो। ठीक है, मैं आप सभी को पहले ये बता दूं पहले कि भाई एनसीसी का इसमें क्या रोल है। अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट होता है तो आपको 5 मार्क मिलेंगे बोनस। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होता है तो आपको 10 मार्क बोनस मिलेंगे। और आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है तो आपको जो है एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो एग्जम्प्टेड फ्रॉम सीईई। सीईई का मतलब होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब कि आपको एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको फिजिकल देना है, मेडिकल देना है, बस उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आप सीधा इंडियन आर्मी में ज्वाइंट हो जाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन एजुकेशन कितना होना चाहिए, इसके लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सब कुछ चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। आप चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एनरोलमेंट ऑफ सोल्जर्स जनरल ड्यूटी वुमेन्स मिलिट्री पुलिस। ठीक है, बिलो ऑफिसर रैंक के लिए, तो आप देख सकते हो जनरल ड्यूटी वुमेन्स के लिए भाई गर्ल्स के लिए जो है ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, तो देखिए ये जो आर्मी भर्ती की जो वैकेंसी है वो 99 वैकेंसी है और गर्ल्स के लिए निकली है। ये 27 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त लास्ट डेट है इसकी। ठीक है, आपको उससे पहले इसका जो एप्लीकेशन है वो भरना है, और ये एप्लीकेशन जो है आप जो इसका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, आप सभी को ऑनलाइन भरना है। ठीक है, जैसे आप फॉर्म ऑनलाइन भरोगे तो देखिए आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे आ जाएगा। ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो रजिस्टर ईमेल आईडी पे आ जाएगा। ठीक है, और आपका जो रैली होगी भाई आपकी जो आपके ईमेल आईडी पे आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा, और आपका जो सेंटर होगा वो अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर, शिलोंग या पुणे, इनमें से एक आपका हो जाएगा। मतलब कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट का जो आपका डिस्ट्रिक्ट जहाँ से नज़दीक गिरता हो वहाँ पर जो है आपको रैली के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट रैली के लिए आपको जो है बुलाया जाएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि भाई इसमें एजुकेशन क्या चाहिए। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, आर्मी भर्ती निकल चुकी है गर्ल्स के लिए। ठीक है, जनरल ड्यूटी गर्ल्स के लिए निकल चुकी है। इसका जो फॉर्म भरना है वो 27 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो 31 अगस्त है। आपको उससे पहले इसका फॉर्म भरना है और फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम एजुकेशन की। तो इसमें एजुकेशन क्या है, तो कैटेगरी आप देख सकते हो सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन्स मिलिट्री पुलिस के लिए, और इसमें जो आपकी एज है वो 17.5 से 21 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अक्टूबर 1999 से लेके 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आपकी अब बात करेंगे फिजिकल रिक्वायरमेंट के बारे में। आपकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और आपका जो वेट है वो आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड, जो आर्मी मेडिकल का एक स्टैंडर्ड है वो आपका उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको इंडियन आर्मी के, कि आपका वेट और आपके हाइट का जो कितना होना चाहिए तो ये आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। और जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो देखिएगा इसमें आपको जो है वो 10th क्लास पास होना चाहिए आप। ठीक है, जो भी गर्ल्स इसको अप्लाई करना चाहती है वो 10th क्लास पास होना चाहिए, और 10th क्लास में जो है मिनिमम उनको 45% मार्क होना चाहिए, और एवरी सब्जेक्ट में उनको जो है सभी सब्जेक्ट में 33% मार्क्स उनको चाहिए। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिएगा, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। मेरे पास अभी मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में इसको मैं समझा रहा हूँ। इसका जो पीडीएफ जो है ना मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से वो डाउनलोड कर लेना और उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, पूरा। तो अब बात करेंगे इसमें ये इम्पॉर्टेंट नोटिस है, इसको पहले पढ़ लीजिए सभी लोग। ठीक है, ये इसकी जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ जो है आपकी परसेंटेज के ऊपर लगाई जाएगी। ठीक है, मतलब कि जितने लोगों ने, जितने गर्ल्स ने ये एडमिट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है उन सभी को तो एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, जितने भी गर्ल्स ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किया है तो उन सभी को एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, उसके लिए भी कट ऑफ लगेगी। और ये कट ऑफ जो है आपके 10वीं कक्षा के
परसेंटेज के ऊपर कट ऑफ होगी। मान लो यार किसी को 92% है 10वीं क्लास में, या किसी को 82 है, किसी को 70 है, तो अभी जिनके परसेंटेज ज़्यादा होंगे उन सभी को पहले लिया जाएगा। मान लो अगर आपको 55% है तो हो सकता है कि आपका नाम उसमें ना आए, ठीक है, मतलब कि जिनको ज़्यादा परसेंटेज है उसके हिसाब से जो है वो कट ऑफ आगे चली जाएगी, ठीक है, इसमें यही बात बताने वाली है। उसके बाद में आप दूसरी देख सकते हो यहाँ पे अपर एज लिमिट, मतलब कि इसमें डाइडिन हार्नेस, ठीक है, मतलब कि जो भी शहीद हुए अगर उनकी वाइफ अगर ये फॉर्म भरना चाहती है तो उनके लिए 30 ईयर एज रिलैक्शन उनके लिए 30 ईयर की एज है, मतलब कि 30 साल तक जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, उनकी एज 30 से पहले है तो वो फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए। तो आप सभी को मैं अब हमने तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देखा था, आप देखेंगे फिजिकल फिटनेस के बारे में क्या क्या होना चाहिए। आप मेरे आपको देखो इसमें रनिंग होगी 1600 मीटर, ठीक है, इसमें 1600 मीटर रनिंग होगी। इसका जो टाइमिंग भी यहाँ पे दे चुका है 7:30 में आपको आना है और 8 मिनट में, ठीक है, ये तो टाइमिंग है, ये ऐसी ही टाइमिंग है, ठीक है भाई। अगर आप आपको पता है कि रैली भर्ती में कितने बच्चे एक साथ छोड़ते हैं तो आपको जो है ट्राई करना है कि सबसे आगे आप रहें, ठीक है, ये टाइम के ऊपर ध्यान मत दो, ट्राई करो कि सबसे आगे आप सभी आ सको, ठीक है, ये टाइमिंग तो ऐसे ही दिया हुआ है, लेकिन क्या करो आप सबसे आगे रहने की कोशिश करो। तो जो बच्चे जो गर्ल्स सबसे आगे रहेगी उनको ही पहले लिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में ये जो है नीड टू क्वालिफाई, आपको जो है कम से कम 10 लॉन्ग फीट जंप जो है आपको जो है लॉन्ग जंप जो है वो 10 फीट तो आपको ये करना ही होगा, ठीक है, ये नीड टू क्वालिफाई, क्वालिफाई करने के लिए आपको 10 फीट लॉन्ग जंप होना ही चाहिए। उसके बाद में हाई जंप जो है 3 फीट आपकी होना ही चाहिए, ठीक है, ये मैंडेटरी है आप सभी को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। आपको समझ में आया, रनिंग जो है 1.6 के किलोमीटर, मतलब कि 1600 मीटर आपकी रनिंग होगी, ये टाइमिंग दिया हुआ है, लेकिन आप ट्राई करो कि इस टाइमिंग के हिसाब से नहीं, इससे पहले आने की कोशिश करो। और आपकी जो लॉन्ग जंप है वो 10 फीट होनी चाहिए और हाई जंप जो है वो 3 फीट होनी चाहिए, ठीक है, ये क्वालिफाई करने के लिए मैंडेटरी है आप सभी को। उसके बाद में यहाँ पे रिलैक्सेशन इन फिज़िकल स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है, हाइट वेट आप यहाँ पे पढ़ सकते हो सभी, ठीक है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट रिलीजन वाले हो तो आपको 4 सेंटीमीटर की जो हाइट है उसमें भी छूट दी जाएंगी, ठीक है। जैसे ही आप देखो आप जैसे ही आप फिज़िकल निकाल दोगे, ठीक है, पहले तो आपकी रनिंग होगी, ठीक है, फिज़िकल होगा, फिज़िकल के बाद में जो है आपका मेडिकल होता है, ठीक है, आप देख सकते हो जैसे ही फिज़िकल होता है उसके बाद में मेडिकल होता है, ठीक है। मेडिकल में आपको ये चेक किया जाएगा, फिटनेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, ये सब कुछ चीज़ें चेक की जाएगी। उसके बाद में देखिए पहला फिज़िकल हो चुका है हमारा, उसके बाद में मेडिकल, उसके बाद में आता है रिटर्न टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये आता है, ठीक है। रिटर्न टेस्ट होता है जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनको तो एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, जिनके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है, उनको जो है 15 बोनस मार्क उनको ऐड मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे आप बोनस मार्क भी देख सकते हो, ठीक है, अगर आप डॉटर ऑफ सर्विस मैन ये सभी 20 उनके लिए 20 मार्क्स हैं, विंडोज ऑफ पर्सन हु हैव डाइड इन हार्नेस जो शहीद हुए उनके लिए भी 20 मार्क्स हैं, ठीक है, जिनके हस्बैंड शहीद हुए उनके लिए 20 मार्क्स है। और आपके पास अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट होता है तो देखिए, अगर ए सर्टिफिकेट होता है तो 5 मार्क है, अगर बी सर्टिफिकेट होता है तो 10 मार्क है, और सी सर्टिफिकेट होता है तो आपको एग्ज़ाम देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर उसी तरह से अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर हो तो आपको जो है 20 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपको इंडिया को रिप्रेजेंट किया है तो आपने नेशनल लेवल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया तो 10 मार्क्स मिलेंगे। अब यह सब कुछ चीज़ें आप देख सकते हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, स्टेट लेवल पे किया है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया है तो 5 मार्क, और ये सभी जो है यहाँ पे जो आपको जो है पूरे मार्क्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आपका फिर यहाँ पे आपको जो है बुलाया जाएगा, जैसे ही आप रिटर्न एग्जामिनेशन होगा फिर आपकी मेरिट बनेगी आपकी, ठीक है, सब कुछ मिला के मेरिट बनेगी। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपको एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमेशियल सर्टिफिकेट, क्लास, कास्ट, रिलीजियन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये सब कुछ चीज़ें जो है अनमैरिड सर्टिफिकेट, मैरिड, ये सब कुछ चीज़ें जो है वहाँ पर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डिसिप्लिन एफिडेविट, ये सब कुछ चीज़ें जो है आपको जो है
आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सभी को देना है। क्लियर है? इसका जो लिंक है, मैं ये पीडीएफ का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाओ, वहाँ से डाउनलोड करो और बाकी सब कुछ चीज़ें आप पढ़ सकते हो। अगर आपको इस फॉर्म को फिल करना है, ठीक है, अगर आपको इस फॉर्म को फिल करना है तो आप यहाँ पे इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर क्लिक करो और सीधा आप जाके यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, गर्ल्स के लिए खुशखबरी है, सभी गर्ल्स फॉर्म भर दो, ठीक है, और रनिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दो। आई होप कि आपको वीडियो में दी जानकारी समझ में आएगी। इसी तरह की नई जानकारी पाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।